प्रिंस बिहार की एक सीट उस रुपौली को लेकर भी बहुत हलचल, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक तंज व्यंग्य जो कसे जा रहे हैं। बकायदा नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई जेडीयू से अलग होकर बीमा भारती नहीं जीत सकती विधानसभा का ये चुनाव। तो अब ऐसे में हालांकि सरकार ये सीट जीती है या नहीं, सरकार की स्वास्थ्य पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है रुपौली सीट। जी बिल्कुल, मुझे प्रतिष्ठा पर तो ये चुनाव लड़ ही जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में आप ये कह सकते हैं कि देख लीजिए कि कैसे राजनीति पाले से बयान क्या होते हैं और उनका नतीजा क्या होता है। बीमा भारती जो कि एक तरीके से जदयू की बागी विधायक रही और लगातार तीसरी चौथी बार वो यहाँ से विधायक रही हैं, और लोकसभा चुनाव के कारण उनको ये जगह से पार्टी से भी, जदयू पार्टी के साथ साथ वो यहाँ के विधायक से भी इस्तीफा दी, और जो है चुनाव, लोकसभा चुनाव उनको लड़ना था, और बेसिकली चुनाव लड़ने के कारण जो है वो इस सीट को छोड़ी। और जो पूर्णिया का जो लोकसभा चुनाव था उसके बारे में भी हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से देश के अंदर एक पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ आरजेडी ने बीमा भारती को उतारा। बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी थी, कांग्रेस से बात नहीं बन रही थी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की या आरजेडी से, तो बीमा भारती किस तरीके से चुनाव लड़ी उनके खिलाफ और तीसरे नंबर पे रही, 27,000, कुल 27,000 यहाँ पे उनको वोट मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब विधानसभा की बात कर ले तो विधानसभा में खास करके उनकी एक पकड़ है, क्योंकि वो खास एक जाति से आती हैं जो गंगौत जाति है, और रुपौली विधानसभा के अंदर करीबन 70,000 से 75,000 जो जनसंख्या है वो गंगौत का है, गंगौत बाहुल इलाका है ये। लेकिन दिलचस्प मामला ये भी है कि यहाँ पे गंगौत से दो उम्मीदवार हैं, एक बीमा भारती और दूसरा कलाधर मंडल। कलाधर मंडल को जदयू ने टिकट दिया है, जदयू के उम्मीदवार हैं, और कलाधर मंडल के लिए नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, अन्य तमाम जितने भी नेता हैं, ललन सिंह हो चाहे संजय झा हो, इन सब लोगों ने लगातार जो है चुनावी मैदान में अपना प्रचार प्रसार मजबूती से किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि तेजस्वी आए बीमा भारती के लिए, और बीमा भारती का एक पकड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि गंगौत जाति से दो उम्मीदवार हैं, जबकि तीसरी जो कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट वो निर्दलीय है, उनका नाम है शंकर सिंह। तो शंकर सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार है, और वो यहाँ से 2005 में विधायक हुआ करते थे, उसके बाद बीमा भारती जीती, और उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर जाति कहीं ना कहीं दोनों तरफ बढ़ जाती है तो शंकर सिंह के खेमे में वोट पड़ने के चांसेस काफ़ी हैं। जी चले, तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है इस बार के उपचुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। 13 सीटों पर लगातार सबकी नजर रहेगी, वोटिंग जारी है, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे।